हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो 2021 बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में वही प्रश्न को लिया गया है जो 2021 बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और ये है वीडियो का पार्ट 7। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, जो रेड कलर वाला बटन दिखाई दे रहा है नीचे में उसे दबा दीजिए, और जो बेल आइकॉन आएगा उसे प्रेस करके ऑन कर दीजिएगा ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं पहला प्रश्न से। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है। पूछा गया है कि जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो खाद्य पदार्थों का क्या होता है। ए ऑप्शन है संश्लेषण, बी ऑप्शन है दहन, सी ऑप्शन है विघटन, डी ऑप्शन है परिवर्तन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, श्वसन जब करते हैं तो खाद्य पदार्थों का क्या होता है, विघटन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, O3। तो यहाँ पे ओजोन है, ये ओजोन का क्या है फॉर्मूला है, तो ओजोन के जो फॉर्मूला होता है उसमें ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, तो 3 होते हैं, O3। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं, डेंगू का मच्छर किस पानी में पनपते हैं। ए ऑप्शन है मीठा पानी में, बी ऑप्शन है गंदा पानी में, सी ऑप्शन है साफ पानी में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो डेंगू का मच्छर किस पानी में पनपते हैं, तो डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा साफ पानी में पनपते हैं, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सी एफ सी का पूरा नाम क्या है, जो सीएफसी होता है उसका पूरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, बी ऑप्शन है क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन, सी ऑप्शन है फ्लोरीन कार्बन, डी ऑप्शन है कार्बन फ्लोरो क्लोरो। तो सीएफसी जिसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, ज्यादातर फ्रिज में करते हैं सीएफसी का, तो सीएफसी का पूरा नाम क्या है, तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्न में से कौन उत्पादक है। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन उत्पादक है। ए ऑप्शन है सर्प, बी ऑप्शन है मेढक, सी ऑप्शन है ग्रास हॉपर, डी ऑप्शन है घास। तो उत्पादक किसे कहते हैं, हम पता है हम लोगों को घास को कहते हैं उत्पादक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा उत्पादक सही हो जाएगा 100%। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड वाला जो बटन आ रहा है उसे दबा दीजिए, और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा, ऑल पे लगा दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। इसमें से कौन जो बौना पौधा होता है, जो मेंडल का जो नियम है उसमें ये साथ दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसमें देखना है कि कौन बौने पौधे को दर्शाता है। ए ऑप्शन है बड़ा टी छोटा टी, बी ऑप्शन है दोनों छोटा टी, सी ऑप्शन है दोनों बड़ा टी, डी ऑप्शन है छोटा टी बड़ा टी। तो यहाँ पे बौने पौधों को दर्शाता है, कौन दर्शाता है, तो जो दोनों छोटा टीप क्या करता है बौने पौधों को दर्शाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 नंबर, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है उसके लेखक कौन है। ए ऑप्शन है डार्विन, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी लैमार्क सॉरी, डी सी ऑप्शन है न्यूटन, डी ऑप्शन है फेराडे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके लिखा किसने लिखा है, तो डार्विन ने लिखा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, जो पुरुष के जो वो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो स्त्री का होता है तो वो एक्स एक्स होता है, जो पुरुष का गुणसूत्र होता है वो क्या होता है लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होता है। तो यहाँ पे पुरुष का पूछा है तो पुरुष का क्या होगा एक्स और वाई होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर यहीं पे पुरुष काट कर अगर महिला देता कि महिला में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, तो दोनों एक्स पाया जाता है। तो
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ए, जब अगर महिला पूछता है। और यहाँ पे पूछा है पुरुष का, तो पुरुष का क्या हो जाएगा, हम लोग का एक्स वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा 100% सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9 नंबर, मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो मनुष्य होता है उसमें कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 20 जोड़ा, बी ऑप्शन है 22 जोड़ा, सी ऑप्शन है 21 जोड़ा, डी ऑप्शन है 23 जोड़े। तो यहाँ पे मनुष्य में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो 22, यहाँ पे सॉरी 23 जोड़े पाए जाते हैं, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर संख्या में पूछे तो संख्या में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 पाए जाते हैं। अगर जोड़ा में पूछता तो कितना होता हम लोगों का 23 होता। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, जो स्त्रियों में अंडाशय होता है उनकी संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 3। तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ऑक्सीन क्या है, जो ऑक्सीन है वो क्या है। ए ऑप्शन है वसा, सी बी ऑप्शन है एंजाइम, सी ऑप्शन है हार्मोन, डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीन क्या है, तो ऑक्सीन क्या है एक हार्मोन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और ये किस में पाया जाता है, तो पेड़ों में पाया जाता है ये हार्मोन। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। इसमें पूछा गया है सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है हीरा। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो वो हीरा है। हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हीरा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान कितना होता है, जो रक्त का पीएच होता है वो कितना होता है। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 7.4, डी ऑप्शन है 8। तो जो रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.6, 7.4 होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर पूछता पानी का पीएच मान कितना होता है, तो पानी का पीएच मान कितना होता है 7 होता है, और 7 क्या है उदासीन है। अगर पूछता दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान कितना होता है 6 होता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 14 नंबर, एंटी मनी क्या है, जो एंटी मनी है वो क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एंटी मनी क्या है, तो एंटी मनी एक क्या है उपधातु है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 नंबर, दांत साफ करने के लिए मंजन में प्रायः क्या होता है, जब हम दांत साफ करते हैं तो उस मंजन में क्या होता है। ए ऑप्शन है छारिया, बी ऑप्शन है अम्लीय, डी ऑप्शन है लवण युक्त, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दांत साफ करने के लिए मंजन में प्रायः क्या होता है, तो मंजन में क्या होता है लवण युक्त होता है, लवण मिला हुआ होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16 नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, जो अभी बताए हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 2। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है 7, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 17 नंबर, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, जो अयस्क होता है उसमें उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फ्लक्स, बी ऑप्शन है गैंग, सी ऑप्शन है स्लैग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो, तो उनमें क्या संबंध होगा। ए नंबर ऑप्शन है f बराबर r/2, बी ऑप्शन है f बराबर 3r/2, सी ऑप्शन है f बराबर 2r, और डी ऑप्शन है f बराबर 3r। जो तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एफ बराबर क्या होता है r/2 होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
19 नंबर, किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? वो कौन सा रंग है जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक हो जाए? जब तरंग दैर्ध्य अधिक होगा तो वो कम फैलेगा। ए ऑप्शन है बैगनी, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है पीला। तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य किस सबसे कम होता है? तो बैगनी का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बैगनी सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20 नंबर, सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें कितने कलर होते हैं? तो ए ऑप्शन है 1, 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 3। तो जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है, अगर उसे हम प्रिज्म से लगाकर दूसरी तरफ निकाले तो 7 हम लोग को वर्ण दिखाई देता है, यानी रंग दिखाई देता है। तो यहाँ पे 7 होगा। सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 100% सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 21 नंबर, बैटरी से किस प्रकार की धारा निकाली जाती है? ए ऑप्शन है डीसी, बी ऑप्शन है एसी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है? या ऐसे भी अजय प्राप्त करते हैं तो डीसी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 22 नंबर, वायुमंडल में कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है? जो हमारा वायुमंडल है उसमें कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है? ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है बैगनी। तो यहाँ पे पूछा गया है वायुमंडल में कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? तो नीला होता है। तभी हमारा आंखों से आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे जरूर लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों या भाई बहन के पास इसे जरूर व्हाट्सएप पे या किसी भी तरीके से शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो जो रेड वाला सब्सक्राइब बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।